नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। साधना की बोलेंगे। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आपके पास हैं। स्टेज बहुत दूर हो जाता है और स्टेज से ना आप सब बोल पाते और ना आप सुन पाते, ना हम अपनी बात आपसे कह पाते, क्योंकि असली आंदोलन करता कौन है? आप हो ना, बहने हैं, दादियां हैं, पिपियां हैं, आप लोग हैं। देखिए, आज हम आप जितनी आवाजें हम तक पहुंचे हम उसके लिए आए हैं। जितनी आवाजें इस पूरे मसले के बारे में हमें अपने विचार देंगी हम उसके लिए आए हैं। और दोबारा से मैं दोहराना चाहती हूँ, आप सबको पता है परसों भी हमने काफ़ी बातें की, आपको समझाया कौन सा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, जो बड़ा मुद्दा है CAA NRC का, और ये वाला छोटा मुद्दा है सड़क का। ये आप सब समझ गए, जो बड़ा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, लेकिन वो आज कल मंडे ट्यूसडे नहीं सुनेगी, वो एक तारीख देगी और वहाँ पे सुनवाई होगी। इस वक्त जो याचिका है, जो मुद्दा है, वो है इस सड़क का, ठीक है। तो आप लोगों ने हमसे बताया, दो तीन दिन से हम यही कह रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ ये 150 फुट घेरे हुए हैं, सही कि नहीं? आप लोगों ने कौन सा हिस्सा घेरा हुआ है? तो ये बात सही है बहन ने कहा, हमने तो ये रास्ता घेरा हुआ है, ये दो रास्ते घेरे हुए इतने बीच के, बाकी जो नौ रास्ता निकल रहा है काली बाकी सारे रास्ते अच्छा। एक बात बताएं, आपने इतना घेरा है उस तरफ का जो कह रहे हैं वो वाले जो सड़क है वो किसने घेरी? पुलिस ने घेरी है ना, आप लोगों ने घेरी? आप लोग ये बताइए, मतलब अलग 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 और आप सबकी एक आवाज होनी चाहिए। आप लोगों की 300 आवाजें थोड़ी होनी है, कितने घेरा है, कितने घेरा है, क्लियरली बताइए। मैम देखिए, जो बराबर वाला रास्ता है वो एक तरह से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। अगर हम यहाँ से आम पब्लिक को निकलने के लिए फौरन रास्ता दे देते तो कौन जिम्मेदारी लेगा यहाँ पर? जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस के वहाँ बैरिकेड है, इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हैं दोनों आपने घेरे में? सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट चलते हुए भी यहाँ पर गोलियाँ चली हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि दोनों रास्ते आपने घेरे हैं, कि आधे पे बैठे हैं, आधा सुरक्षा के लिए है? ऐसा नहीं है सर, ये हम यहाँ पे बैठे हैं और ये उधर से जब बंद किया गया था तो ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमने इसको उन्होंने पहले बंद किया था तो हमने इसको अपनी सुरक्षा के लिए फिर यहाँ से गाड़ी आने नहीं दी, और यहाँ से एम्बुलेंस, बस, जो भी इमरजेंसी व्हीकल गाड़ियाँ होती है वो जाती है, परमानेंट जाती है, ये बात है। ये हमने बंद नहीं किया, पहले दिल्ली पुलिस ने बंद किया था। वही हम पूछना चाह रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस ने बंद किया ना, आपने तो नहीं किया? पक्का बात? पक्की बात ना? ये आप लोगों ने नहीं बंद किया, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने बंद किया और आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी सोचा बंद ही रहे, ठीक है ना? तो बंद करने वाली आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस है और आप लोगों ने सोचा कि बंद कर दिया, आपकी सुरक्षा के लिए बंद रहे तो ठीक है, ठीक बात है, सब मानते हैं इस बात को? दिल्ली पुलिस वाले अगर कोई बात करने वाले हैं बुला दीजिए उन्हें।
जरा बुला लीजिए। हम चाहते हैं बात सामने सामने हो। इसने क्या, क्योंकि हमें इतनी आवाजें सुनाई दे रही यहाँ पे, इतने चेहरे हैं यहाँ पे, इतने लीडर्स हैं यहाँ पे, हमें दिख रहे हैं। हम चाहते हैं आप अलग, आप लोग सब लीडर हो ना, तो एक आवाज में बोलो। आप सब लीडर हो तो एक आवाज में बोलो, अलग अलग आवाज में नहीं बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, हम भी आपके साथ हैं, हम भी एक हैं, एक है आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ है, आपके हित में है, आपके साथ है। और सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए साथ है क्योंकि संविधान में लिखा है कि प्रोटेस्ट करना कानूनी तौर से सबका हक है। नहीं, क्लैप कीजिए, मैं बू कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, आज शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि में हमारे दक्षिण भारत में, जहाँ से मैं आता हूँ कर्नाटक से, आज ही मेरे माँ ने कुछ कहा था कि हमारे आज शिवरात्रि के दिन जो भी गाली हम भी हमें पड़े वो भी दुआ बन के आ जाती है। तो आप जो दिल में है, जो दिल में है, दुआएं दीजिए, गाली दीजिए, पर ये सब भोले बाबा हमको दुआ बना के दे देते हैं। तो आज आपका दिन है, बोलिए। और फैसला आपके हाथ में है, आप सब लीडरान हैं, और इसके कारण सब सहमति से हमें एक ऐसा फैसला लेना है ताकि जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रोटेस्ट चले और रोजमर्रा की जिंदगी भी साथ चले, किसी एक नागरिक को दूसरे नागरिक को तकलीफ देने का हक या अधिकार नहीं है। अगर हम भारत के नागरिक हैं, एक भारत के नागरिक हैं, हम एक हैं, तो दूसरे कोई होता नहीं है। जो दर्द उसका है वो हमारा है, हमारा जो दर्द है उसका है। एक साथ है, एक साथ चलने की जिम्मेदारी हम पे है। दिल्ली पुलिस वाले अगर कोई आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके सामने इन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ इतना घेरा था, वो वाला जो हिस्सा है वो दिल्ली पुलिस ने घेरा हुआ है, वो वाला हमने नहीं घेरा, लेकिन एक बार दिल्ली पुलिस ने घेर लिया तो हमने सोचा हमारी सुरक्षा के लिए बंद ही रहे तो ठीक है। तो हम आपके आपका विचार चाहते हैं कि आपने आपका इसमें आप इसे खुलवा सकते हैं और सुरक्षा दे सकते हैं। इनको देखिए, एक बात, एक मिनट। देखिए, इनकी चिंता, वो जो हमारे की चिंता है वो है सुरक्षा की। ये सोचते हैं कि अगर वो उस तरह का खुल जाएगा अगर रोड, तो हमें फिर सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? वो अगर घिरा ना हो तो सुरक्षा कैसे? आप हमने पहले भी आप सो दैट आपको सुन सकेंगे लोग। मैंने पहले भी आपके यहाँ मंच से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक महीने पहले करीब की दूसरा तरफ का रोड खोल दीजिए, आपने मना कर दिया था साहब। और हमने आपको ये कहा था कि हम बीच में बैरिकेड, आज भी हम बीच में बैरिकेड लगाकर फैसिलिटीज कर देंगे आपको। कोई भी लैंड ऑर्डर पॉइंट होगा तो हम अपना स्टाफ लगाएंगे, उसमें पूरी सुरक्षा देंगे आपको। आप अपनी बात पूरी, जो अगर एक रोड खुलता है तो हमारी तरफ से जो पॉसिबल है वो पूरी हम सुरक्षा देंगे, पूरी सिक्योरिटी हम देंगे। किस तरह से देंगे?
हम बीच में बैरिकेड्स लगाएंगे और अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे, स्टाफ का डिप्लॉयमेंट करेंगे। हाँ भैया, आपको मैं पहले भी बोल रहा था, सब शांत होके सुने, आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा की बात ये है सर, दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड कूद के गोली चला सकते हैं, उसके बाद ये बताएंगे अब हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी। कैसे करके हमको सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि हमें लिखित रूप से आप सुरक्षा दीजिए, हम लोग बोलने के लिए तैयार। लिखित रूप जी, लिखित रूप उनको ये कहना है कि मुँह ज़बानी काफ़ी नहीं है, हमें लिखित रूप से दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए लिखित में। और लिख के ये कह रहे हैं देखिए, हम क्या कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। जामिया में किया या जहां किया, अगर हमारे सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमने कल से परसों से अपना यही कह रहे हैं कि हमने 1.5 मीटर का ये चीज जो रहे यहाँ, हमारा ये प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना, ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, इसको कोई नहीं ले सकता। हम कहीं पर तो अपने रख के बात कह सकते हैं, कहाँ कहें, कहाँ सुन रहे हैं हमारी 65 जिनसे हम यहाँ बैठे तो सुनवाई के लिए, फिर हमारी ये कोई कमरों में नहीं चलो, ये हमारा हक, तो हम पूरे 130 करोड़ के हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी अपनी नहीं। मुझे भी उसमें यह, मेरी भी विकेट हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये एक ही लड़ाई है, ये सबकी है। हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। पुलिस भाइयों ने हमारी सुरक्षा की, उन्होंने बैरिकेड अपनी तरफ से लगाए, इसलिए कि हम लोग महफूज रहे, सही। अगर आज ये लिखित करके हमको दे रहे, वैसे एम्बुलेंस भी वहाँ से जा रही है, बच्चों की बसें भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं। आज जिसके लिए सरकार लोग परेशान है कि ये बच्चों की बसें ले जाने, उन्हीं बच्चे जब यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं उनके सर फोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती है, उनके साथ प्रबंधक की जाती है, उनके साथ हम तो मर जाएंगे, मगर हम अपने बच्चों को गुलाम बन के नहीं रहने देंगे यहाँ, क्योंकि हमारे 30 साल तक लग सकते हैं NRC, और ये कह रहे हैं हमने NRC ले लिया है। रामलीला ग्राउंड में हम नहीं चाहते कि NRC इन्होंने जैसे संसद से इन्होंने प्रूव किया है, वे NRC का छोटा भाई, ये कह रहे नहीं NPR लाए हैं, ये इतना बेवकूफ कोई नहीं। आज तो सब पढ़े लिखे, उन्हीं पढ़े लिखे बच्चों को मारा जाता है, जो कि हमको बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये क्या है। जितना पैसा आज आप दीवारों में लगा रहे हैं, जितना उनके लिए रोजगार है, पढ़े हुए बच्चों तो कहते हैं कि पकौड़ तलो, ये यहाँ का रोजगार है, कहाँ में बच्चे औरत की टिप्पण तलाक पे कहते थे कि तुम्हारी बहन भाई हमारे अपने घरों से हमारे मुस्तकबिल हमारा इंसाफ चाहते थे, आज उन्हीं बहनों को कह रहे थे लोग रजाई में और औरत 500 रुपये लेके बैठी है, 500 रुपये में क्या अपना जमीन कोई बेचेगा। यहाँ ये हिंदुस्तान, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दें मोदी जी, जितना बिगड़ा हुआ था अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और एक बात और, NRC NPI ये मेरा हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, अगर इधर का जो भाई लोग आए हैं अगर ये हमें सिक्योरिटी दे सकते, इनके ऊपर इनके होते साथे पुलिस तो वहाँ पर गोली चल गई, लोग खड़े थे जामिया में तो गोली चल गई, इनके होते साथ हमारे पीछे से गोली चल गई, तो इसका सिक्योरिटी क्या है हमारा। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.